हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शंस, अपनी क्लास 7 की सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 3E। लास्ट वीडियो में हमने 3A, B, C, D ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी क्लास 7 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, सारी की सारी वीडियोस क्लास 7 की जो अब तक चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इजीली जाके वहाँ से सर्च कर सकते हो। आपको बस क्या लिखना है, वहाँ पे क्लिक करना है कौन सी वीडियो पे, क्लास 7 सलीना ICIC पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3E एक्सरसाइज। इसमें हम अपने जो हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको समझेंगे कैसे करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइन AB इज लेंथ 6 सेंटीमीटर, अनदर लाइन CD ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट फ्रैक्शन इज द लेंथ ऑफ AB टू डैट ऑफ CD। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या लिख दिया है, लेंथ ऑफ लाइन AB 6 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ लाइन CD इज 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में मैंने निकालना है लेंथ ऑफ AB टू लेंथ ऑफ CD। तो AB की लेंथ कितनी है, 6, 2 मीन्स इसको क्या करना है, इससे डिवाइड, इसकी लेंथ इस पे बतानी है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब अगर ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है तो हमें करना है। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है, अगर इसकी कटिंग हो सकती है, दोनों नंबर किसी एक टेबल में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 3 2s and 3 5s, तो आपका आंसर आ गया 2/5। सेकेंड पार्ट हमारे पास था कि हमें बताना है हाफ द लेंथ ऑफ AB टू हाफ 1/3 ऑफ CD। तो पहले हम निकालते हैं हाफ द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 2 1s, 2 3s, तो आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। पहले आपको ऐसे लिखना है 1/3 ऑफ CD। CD की लेंथ कितनी है, 15, 3 1s, 3 5s, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन, मतलब हमें फ्रैक्शन बतानी, जैसे ये बताई थी ना, तो इस पार्ट में हमें फ्रैक्शन बतानी है किसकी, हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB कितना आया आपके पास, 3 सेंटीमीटर। 1/3 ऑफ CD कितना आया, 5। तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि आगे हम इसको और कट नहीं कर सकते। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 ऑफ CD। तो पहले हमें 1/5 ऑफ CD निकालना है, CD कितना है, 15 सेंटीमीटर। देखिए हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 1s, 5 3s, तो हमारा आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना था, 1/5 ऑफ CD टू डैट ऑफ AB। जो ये CD के हमारा आंसर आया है किसके ऊपर बताना है, ये AB। तो AB का आंसर क्या है, 6, 3 1s, 3 2s, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। ये फर्स्ट पार्ट की फ्रैक्शन का आंसर, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। हमें इसके आंसर को पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको किस में से माइनस करना है, इन सब के सम में, तो इनको प्लस कर लेते हैं और इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए पहले मैंने फर्स्ट लिख लिया, इन दोनों को माइनस करते हैं। आप सबको पता है हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज ABCD में डिटेल में समझ लिया कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए 7/21, सबसे पहले 2/7 माइनस करना है 5/21। जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है तो आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, 7/21 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ गया 21। एक बार हम देख भी लेते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं दोनों नंबर्स का। आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, देन इनका एलसीएम फाइंड करना है, देखना किसी ATM में जाते हैं, जैसे 7 1s, 7 3s, देन उसके बाद 3 1s, तो 7 3s, 21। ये आ गया आपका एलसीएम। रूल क्या होते हैं, एलसीएम होता है डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 21 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 3। 3 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 3 2s, 6। जब आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ गया, 6 में से 5 गए 1/21। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया इन दोनों का डिफरेंस। अब हमें क्या कहा था, जो सेकेंड पार्ट है हमारा, इसी क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए हैं जिनका हमें सम निकालना है। फर्स्ट है हमारा 3/4, देन उसके बाद हमारा क्या नंबर है, 5/7,
एंड देन हमारे पास है 7/12। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, 7 एंड 12 का। तो सबसे पहले 2 के टेबल में जा ही सकते हैं, 2 2s are 7 एज इट इज़, 2 6 जा, देन 2 1s are 7 एज इट इज़, 2 3s are। अब यहाँ पे 3 के टेबल पहले कर लेते हैं, 7 as it is 3 1s are, देन 7 1s are, 2 2s are 4 3s are 12, 12 7s are 84। तो हमारा एलसीएम आ गया 84। अब हमें क्या करना है, एलसीएम को 4 से डिवाइड, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 21, 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमारा आंसर आ गया 63। 7 को इससे डिवाइड करेंगे 12, 12 5s are 60, 12 को करेंगे 7, 7 7s are 49। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे आ गया 6 6 12, 4 16, 1 कैरी थी हमारे पास, तो ये आ गया हमारा आंसर इसको सॉल्व करके। अब क्वेश्चन क्या था, अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन ये था, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, जो भी इसका सम आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था इस नंबर को। आप ऐसे भी कर सकते थे सम, जैसे मैंने इंडिविजुअली करके दिखाया ना आपको पहले, कि इसको पहले माइनस करके हमने एक आंसर फाइंड कर लिया, फिर इसको प्लस करके आंसर फाइंड कर लिया, अब दोबारा इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इसके सम में से माइनस करना इन दोनों का डिफरेंस, इसको यहाँ सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करो, बाद में आंसर फाइंड कर लेंगे। पर हमने तो इनके आंसर निकाले, सीधा लिखते हैं। इसका आंसर क्या आया, 172/84 माइनस, और इसका आंसर क्या आया, 1/21। अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब आपको 84 और 21 का क्या लेना है, एलसीएम, तो इनका एलसीएम 84 ही आएगा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है। 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 1s are 4। अब आपको इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। और अगर हमने देखना है ये दोनों किसी टेबल में जाते हैं कि नहीं, 84 के टेबल में सीधे जा रहे हैं, ये देखो 2 4s are 8 एंड 2 8s are 16, तो 84 1s are 84 2s। अगर आपको सीधा ना समझ आए तो आप 2 के टेबल से भी कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ सैक ऑफ पोटैटोज वेइंग 120 kg, अ मर्चेंट सेल्स पोर्शन वेइंग 6 kg, 5 1/4, 9 1/2 kg एंड 9 3/4 kg रिस्पेक्टिवली। अब उसने ये 4 टाइप के डिफरेंट पहले सेल कर दिए हैं, हाउ मैनी केजी डिड ही सेल, टोटल उसने कितना सेल किया, तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। हाउ मैनी केजी आर स्टिल लेफ्ट इन द सैक, तो हमें क्या करना है, जो इसका आंसर आया होगा इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल आपको कितना दिया है, 120, पहले हमें बताना है कितना सेल किया है, तो उसने 1 2 3 4 टाइम सेल किया है, तो उनको ऐड कर देंगे, और बाद में क्या करेंगे हम, 120 में से जो आंसर आया होगा सबको ऐड करके वो माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है टोटल क्वांटिटी कितनी है, 120 kg एंड क्वांटिटीज ऑफ पोटैटो ही सोल्ड 6 kg, 5 1/4 एंड सो ऑन, हमने सब लिख दिया। अब सिंपली हमने kg हटा दिया क्योंकि हमें सम को प्लस करना है, तो 6 एज नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 4 5s are 20, 20 plus 1, 21/4, देन 2 9s are 18, 18 plus 1 हमारे पास आ गया 19/2, यहाँ पे आ गया 36 plus 3, 39/4। अब हमें क्या करना है, 1 4 2 and 4 का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा, 4 6 24। देन जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 19 2s are 38, और यहाँ पे 39 एज इट इज़। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, अब हमारे पास आंसर आ गया सबको ऐड करके। देन हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते, अभी तो उसकी कटिंग भी हो सकती है 2 के टेबल में, तो 2 6s are 2 1s are and 2 2s are, तो 61/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आ जाएगा हमारे पास 31/2। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 30.5 kg टोटल उसने सेल कर दिया। अब उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 120 kg। जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें हमें क्या बताना है कि कितना लेफ्ट रह गया है, क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज लेफ्ट। तो आपको सबको पता है कि जब हमने क्वांटिटी लेफ्ट बतानी है कि कितनी लेफ्ट रहेगी, तो आपको क्या करना है, टोटल 120 में से जो हमने सेल कर दिया उस मर्चेंट ने, उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, 120/1, ये क्या बन गया आपके पास, 61/2। देन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 एंड 2 का एलसीएम 2 आ गया,
तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो 120 इंटू 2 आ गया 240 माइनस 61 एज इट इज़। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 179 ओवर 2 के जी आंसर। और मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो 89 ओवर 2 के जी। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबको आता ही है, हम यहाँ पे एक बार कर भी लेते हैं। 2 8 16 देन 2 9 18 आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर है, तो हमें इनको कैसे लिख देना होता है ऐसे, पहले ये आ गया आपका होल नंबर, रिमाइंडर यहाँ पे ऊपर आ जाता है और 2 यहाँ पे एज इट इज़। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ अ बॉय वर्क्स फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज फॉर 8 आवर्स, 7 1/2 आवर्स, 8 1/4, 6 1/4, 3 6 3/4 एंड 7 आर रिस्पेक्टिवली, ये उसने 6 डेज काम किया है, देन अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हाउ मच मनी विल ही अर्न एट अ रेट ऑफ ₹36 पर आर, 1 आर के उसको कितने रुपीस मिलते हैं 36, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसने 6 डेज में कितने आवर्स वर्क की है। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, लिख लिया नंबर ऑफ आवर्स हम फाइंड करने लगे 6 डेज में उसने कितना वर्क की है, तो यहाँ पे 8 ओवर 1 आ जाएगा, 7 2 14 प्लस 1 15 ओवर 2, 8 4 32 प्लस 1 33 ओवर 4, 6 4 24 प्लस 1 25 ओवर 4, यहाँ पे भी 24 में 3 ऐड कर देते हैं, 27 ओवर 4, यहाँ पे 7 ओवर 1। अब आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1 2 4 4, ये इसका एलसीएम 4 आ गया, 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 4 8 32, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 15 2 30, 4 और ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ये एज इट इज़ आ गए, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 7 28। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है और 4 से क्या कर देना है डिवाइड, अब प्लस करके आ गया हमारे पास 175 ओवर 4। अब हमारे आंसर क्या आ गया, इतने आवर्स, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कटिंग तो हो नहीं रही सीधी, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ गया 43 3 ओवर 4 आवर्स। अब देखिए अर्निंग पर आर कितनी है, 1 आवर के लिए मिल रहे हैं 36 रुपीज़, तो इतने आवर्स के लिए कितने मिलेंगे, सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं, जब हम ये लिखेंगे हमने क्या करना है, इसको 36 से मल्टीप्लाई, तो बाद में मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर ही बनाए, पहले ये लिख लेते हैं, हमने इसको 36 से मल्टीप्लाई करने है, 4 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 9, तो हमारा आंसर आ गया 175 × 9, तो आंसर आ गया ₹1575, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग उस पर्सन की 6 डेज की। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट बाउट 4 1/3 मीटर ऑफ येलो रिबन, 6 1/6 मीटर ऑफ रेड रिबन एंड 3 2/9 मीटर ऑफ ब्लू रिबन फॉर डेकोरेटिंग अ रूम, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द रिबन डिड ही बाय। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी मीटर्स, उस दिन कितना मीटर रिबन लिया, इट मीन्स हमें टोटल निकालना है, तो हमें सबको क्या कर देना है ऐड। देखिए येलो रिबन कितना है हमारा, 4 1/3, तो 3 4 12 प्लस 1 13 ओवर 3 मीटर आ गया आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 6 6 36 प्लस 1 37 ओवर 6 मीटर, 9 3 27 प्लस 2 29 ओवर 9 मीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ रिबन जो उसने बाय की है, तो वो कैसे आ जाएगा, 13/3 प्लस 37/6 प्लस 29/9। अब आपको क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम, हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी देख सकते हैं कैसे लेने हैं, हमने तीनों को लिखा, देन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 3 2 3 3, पहले 3 पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 पे कर देंगे, देखिए 3 3 9 9 2 18, 18 को 3 से डिवाइड कर देते क्या आ जाएगा 6, 13 6 का कितना होता है 78, देन 18 को 6 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 37 के साथ, तो ये आ गया हमारा आंसर, 18 को 2 से 9 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 29 2 हो गया 58, इन सबको ऐड कर देते हैं, हमारे पास प्लस करके आ गया 247/18, देन अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 13 13/18 मीटर।
यह आ गया हमारा आंसर टोटल, उसने इतना रिबन बाय किया है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बिजनेस राम एंड दीपक इन्वेस्ट 3/5 and 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसका उन्होंने इतना इतना पार्ट उसमें इन्वेस्ट किया है। ये 40,000 इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट, वो भी हमें बता दिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच, कि राम ने कितनी की और दीपक ने कितनी इन्वेस्ट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिख लिया टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, राम ने कितना इन्वेस्ट किया है 3/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 3/5 × 40,000। दीपक ने कितना इन्वेस्ट किया है 2/5 × 40,000 ऑफ 40,000। तो 5 1s 5, 8s 40, पीछे 3 0s एंड 3 8s 24 एंड अगेन 3 0s, तो आ गया 24,000। ये भी आ गया 8,000, तो 2 8s 16, 3 0s, तो अब राम ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 24,000 एंड दीपक ने इन्वेस्ट किया है 16,000। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। गीता हैड 30 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क, शी वर्कड आउट 2/3 ऑफ देम। इतने पे उसने काम कर लिया, ऑफ देम मीन्स 2/3 × 30। हाउ मैनी प्रॉब्लम स्टिल लेफ्ट टू बी वर्क आउट बाय हर। पहले हम निकालेंगे कितनी सॉल्व कर ली और बाद में 30 में से माइनस कर लेंगे। वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी है 30, कितनी प्रॉब्लम्स उसने वर्कआउट कर लिया है 2/3 of 30। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 20, 2 10s 20। अब आपको बताना है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेफ्ट, कि कितने क्वेश्चंस उसके रह गए हैं लेफ्ट जो उसने अभी तक सॉल्व नहीं किए, टोटल माइनस सॉल्व जो उसने सॉल्व कर लिए, तो आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 8, अ पिक्चर वाज मार्क्ड एट 90। अब मार्क मीन्स जो मार्क प्राइस होती है, जैसे सपोज हम कभी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो जो उस पर टैग प्राइस लगी होती है किसी भी प्रोडक्ट पे, वो उसकी मार्क प्राइस है। इट वाज सोल्ड एट 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के इतने पे सेल की है। व्हाट वाज द सेल प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी मार्क प्राइस लिख ली है 90, सेल प्राइस क्या है 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 90। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं, तो 2 के टेबल में जैसे जा सकते हैं, दोनों 2 2s and 2 4s 45 आ गया। अब हम दोनों को ऊपर कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो 3 5s 15, 3 4s 12, 1 कैरी थी हमारे पास, हमारा आंसर आ गया 135/2। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 6s कितना आ गया आपके पास 12, देन 2 7s 14, यहाँ पे डेसिमल लेके 0 ले लेते हैं, 2 5s 10। तो हमें अपना आंसर पता चल गया 67.5 रुपीस। देन जब भी हम रुपीस में लिखते हैं तो पूरा पैसे लिखने होते हैं पीछे, तो हम लिख देते हैं 50 पैसे। तो ये आ गया हमारा आंसर सेल प्राइस का। अब आज हमने 1 to 8 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।